मैं हूं अली रिजवी और आप देख रहे हैं शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने कबीर वाला में एक ऐसे शख्स को देखा है जो नाचाते की वजह से अपनी बीवी को तलाक दे चुका था। 3 साल हो गए मुझे मुसलसल ब्लैकमेल कर रहा है वो आदमी। तो कौन सा एहसान किया है? और वैसे भी क्या मेरा किसी से कोई चक्कर चल रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है। आपको जब भी किसी चीज की जरूरत हो मुझे कॉल कर दीजिएगा, बस ख्याल रखिएगा कि कॉल दिन में कीजिएगा, शाम को नहीं। वैसे बात करके बहुत अच्छा लगा। शब्बीर ने कबीर वाला में एक ऐसे शख्स को देखा है जो नाचाकी की वजह से अपनी बीवी को तलाक दे चुका था और अब तन्हा जिंदगी गुजार रहा था। शब्बीर ने एक दिन देखा कि एक शख्स अपने छोटे से कमरे में सो रहा था कि फोन की घंटी बजी तो उसकी आंख खुल गई। उसने फोन देखा और फिर कॉल सुने बगैर ही फोन ऑफ कर दिया। कुछ देर वो बिस्तर पर करवटें बदलता दिखाई दिया, फिर वो उठ बैठा। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई और फिर बिस्तर से नीचे उतर आया। उसने चप्पल पांव में डाली और बाहर आंगन में निकल गया। मुंह पर पानी के छींटे डाले और फिर चूल्हा जलाकर चाय का पानी रख दिया। फिर उसकी नजर दूध की पतीली पर पड़ी जो खाली थी। नौजवान ने चूल्हा बंद कर दिया और घर से बाहर निकलकर दरवाजे की कुंडी लगा दी और महल्ले में एक दूध की दुकान पर पहुंच गया जहां महल्ले ही की फौजिया नामी एक औरत भी मौजूद थी। नसीम भाई क्या बात है, आजकल आपका दूध बहुत पतला मिल रहा है। बाजी दूध तो एकदम खालिस है, आप रोज लेके जाती हैं, आपको तो पता होना चाहिए बाजी। इस दौरान फौजिया नौजवान को मुबैना तौर पर कनखियों से देखती रही। अरे भाई मुझे भी दूध चाहिए था, मगर जिस तरह ये कह रही हैं तो भाई खालिस दूध है ना मुझे भी। भाई खालिस दूध ही मिलता है हमारी दुकान में, बाजी हमसे रोज लेके जाती हैं, आप बाजी से पूछ भी सकते हैं। नहीं नहीं मैं तो बस इनको वैसे ही कह रही थी, दूध इनका अच्छा होता है, आप बेफिक्र होके लीजिए। सुना आपने, ठीक है भाई ऐसा करो एक पाव दूध दे दो मुझे। एक पाव दूध छोटे, एक पाव दूध बांध। एक पाव दूध का सुनकर फौजिया को कुछ हैरत सी हुई। एक पाव दूध में आपकी पूरी फैमिली का गुजारा हो जाता है? अरे भाई मेरी कौन सी फैमिली है, मैं तो अच्छा रहता हूँ तो गुजारा हो जाता है एक पाव के अंदर ना। ये ले दूध आपको। नसीम भाई ये क्या बात हुई, मैं पहले आई थी ना, दूध मैंने पहले मांगा था, आपने इनको दे दिया। अरे भाजी आपको भी दूध दे रहे हैं, सबर करें आप। ये लीजिए आपका दूध भाजी। और हाँ भाजी, भाजी हम गरीबों का भी थोड़ा ख्याल कर लें, इतनी महंगाई हो गई और 3000 रुपए का आपके ऊपर कर्ज चढ़ गया हमारा। इससे पहले भी दिया है ना, अभी भी दे दूंगी, कहीं नहीं भाग रही। नौजवान ने दूध वाले को पैसे थमाए और फौजिया की बात का जवाब देने लगा। भाजी 3 महीने से यही सुनता हुआ आ रहा हूँ कि कहीं नहीं भाग रही हैं आप। मिल जाएंगे आपके पैसे भी आपको। फौजिया और नौजवान जिसका नाम आकाश था दूध लेकर घर की तरफ रवाना हो गए। फौजिया जानबूझकर आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। फौजिया ने जब ये देखा कि आकाश अपने घर की बाहर से बंद कुंडी खोल रहा था तो खासी हैरान हो गई और सारा माजरा समझ गई कि वो अकेला ही रहता होगा। फौजिया भी अपने घर जा चुकी थी। शब्बीर ने देखा कि घर जाकर फौजिया नाश्ता तैयार करने लगी। अली बेटा इधर आइए। अरे वाह भाई वाह, बड़ी जबरदस्त खुशबू आ रही। खुशबू तो जनाब रोजाना आती है, आपकी नाक लगता है आज खुली है। चल चल ज्यादा बातें मत कर, मैं तो ऐसी पराठा खाऊंगा, इतने सारे क्यों बना? नहीं वो बच्चों को सारा दिन भूख लगती रहती है बार बार मांगते, इसलिए एक साथ बना रही हूँ। आज कंपनी का नजर भाई जाना है, क्यों नहीं जाना, अगर आप नाश्ता पैक करके दे दें तो मैं जाऊं।
बस एक मिनट। ये लीजिए। शाम तक आऊंगा। अच्छा सुने, शाम को भिंडियां लेते आइएगा या कोई और सब्जी अच्छी लगे तो ले लीजिएगा। ठीक है, ले आऊंगा। अच्छा बच्चों को बाहर मत जाने देना खेलने के लिए। ठीक है। ठीक है, जा रहा हूँ वापस। शौहर चला गया तो फौजिया ने अपने छोटे बेटे को आवाज दी। अली बेटा इधर आओ। अली बेटा, ये लो, वो जो सामने अंकल है उनको देकर आओ। कौन से अंकल? आओ मैं बताती हूँ। बच्चा एक छोटी सी ट्रे में नाश्ता रखकर आकाश के दरवाजे पर पहुंच गया। कुंडी खटखटाई तो आकाश ने बाहर निकलकर बच्चे को ऊपर से नीचे तक देखा। आकाश अंदर गया, बर्तन खाली किया और उसमें एक चिट जिस पर उसका फोन नंबर लिखा हुआ था बच्चे के हवाले कर। बच्चे ने वापसी पर बर्तन माँ के हवाले कर दिए और खुद खेलकूद में लग गया। फौजिया ने नंबर और नाम देखा तो उसके चेहरे पर खुशी के आसार नमूदार हो गए और उसने फौरन आकाश का नंबर मिला दिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आकाश साहब बोल रहे हैं? जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने पड़ोसी का इतना ख्याल रखा। वैसे नाश्ता बहुत अच्छा था। नहीं कोई बात नहीं, आपको जब भी किसी चीज की जरूरत हो मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं बच्चे के हाथ पहुंचवा दूंगी। बस ख्याल रखिएगा कि कॉल दिन में कीजिएगा, शाम को नहीं। हस्बैंड होते पता नहीं वो क्या सोचें। जी जी मैं समझता हूँ, मैं ख्याल रखूंगा। वैसे बात करके बहुत अच्छा लगा। चलें ठीक है, फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज़। हाँ, खुदा हाफिज़। छह बरस पहले आकाश अपनी बीवी को तलाक दे चुका था और अब फौजिया से बात हुई तो फिर से जी उठा, लेकिन ये सोचकर परेशान हो गया कि फौजिया पहले ही से शादीशुदा थी और तीन बच्चों की मां थी। दोनों के दरमियान ना सिर्फ टेलीफोनिक रब्ता हुआ बल्कि चोरी छुपे मुलाकातें भी होने लगी, जिस पर शौहर अपनी बीवी की तरफ से मशकूक हो गया था। शब्बीर ने देखा कि फौजिया का शौहर घर पर था और फौजिया हजब मामूल चूल्हे के सामने थी। क्या बात है, काम पे नहीं जा रहे? नहीं, तबीयत थोड़ा नॉर्मल है। अच्छा तो चलें, मैं नाश्ता लगा देती हूँ। नाश्ता करने? नहीं, मेरा जी नहीं चाहता। ये अल्लाह खैर, इतने उखड़े लेके में क्यों बात कर रहे हैं? देखो फौजिया, मैंने आज तक तुमसे कोई रोक टोक नहीं की, कोई पाबंदी नहीं लगा। तो कौन सा एहसान किया है, और वैसे भी क्या मेरा किसी से कोई चक्कर चल रहा है? देखो गुस्सा मत करना, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा किसी से कोई चक्कर चल रहा है। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा। इतने उखड़े लहजे में क्यों बात कर रहे हैं? देखो फौजिया, मैंने आज तक तुमसे कोई रोक टोक नहीं की, कोई पाबंदी नहीं लगा। तो कौन सा एहसान किया है, और वैसे भी क्या मेरा किसी से कोई चक्कर चल रहा है? देखो गुस्सा मत करना, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा किसी से कोई चक्कर चल रहा है। अल्लाह, इतना बड़ा इल्जाम। चलिए अगर ऐसा है तो मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे मोहल्ले में खा लेते चले।
तुमने उसे कुछ भिजवाया था? वो? अरे भाई उस दिन मैंने पराठे थोड़ा ज्यादा बना दिए थे, मुझे लगा खराब होकर फेंकने से बेहतर है किसी को दे दूं। आइंदा मत भिजवाना। ठीक है, नहीं भिजवाऊंगी। अब आपके लिए नाश्ता लगा दूं? बैठ के कर लीजिए। हाँ दे। फौजिया ने भेद खुलने पर जेहानत का मुजाहरा किया और बात ज्यादा हद से बढ़ने नहीं दी। अलबत्ता अब दोनों के दरमियान सर्द जंग शुरू हो चुकी थी और आकाश फौजिया के इश्क में पागल होता जा रहा था और अब वो अक्सर रात को फौजिया को फोन भी करने लगा था। शब्बीर ने देखा कि फौजिया का फोन साइलेंट था, लेकिन उसने देख लिया था कि आकाश की कॉल थी। उसने खामोशी से फोन उठाया और वॉशरूम के अंदर चली गई। ये रात का वक्त था। शोहर को शक हुआ और वो उठकर दबे पांव आंगन में आ गया और कान लगाकर सुनने लगा। हेलो, मैंने तुम्हें कितनी दफा मना किया है ना कि मुझे रात को कॉल मत किया करो। मुझे लगता है तुम ना मेरा घर तोड़वा कर ही रहोगे। अगर आज के बाद रात को फोन किया ना तो मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगी, सुना तुमने? फौजिया फोन करके बाहर निकली तो शौहर एक अनजाने पन का तासुर देते हुए आसमान की तरफ देख रहा था। फौजिया दबे पांव अपने कमरे की तरफ जाने लगी तो शौहर ने उसे आवाज दी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ वो मेरे फोन में बैलेंस खत्म हो गया, अपना मोबाइल देना जरा मुझे कॉल करनी है। फौजिया सटपटा गई। मेरे फोन में भी बैलेंस खत्म हो गया, आप सुबह कर लीजिएगा। फौजिया जुल देकर जाने लगी तो शौहर ने आगे बढ़कर फौजिया के हाथ से फोन छीन लिया। कौन है? पता नहीं कौन है। उसी से बात कर रही थी ना? ये वही है ना जिसको तुम नाश्ता भिजवाती हो? नहीं तो मुझे क्या पता कौन है। दीजिए मेरा फोन, मुझे बहुत नींद आ रही है, सुबह बात करेंगे। फौजिया ने शौहर से फोन छीनने की कोशिश की, लेकिन शौहर ने जहरीली मुस्कुराहट के साथ खुद ही फौजिया को फोन वापस कर दिया। फौजिया के शौहर पर तमाम मामला खुल गया था और उधर आकाश भी खुलकर सामने आ गया था और 3 बरस से फौजिया को ब्लैकमेल कर रहा था। कभी रात के वक्त फौजिया के घर में कंकर फेंक कर अपनी मौजूदगी का ऐलान करता और कभी उसके घर के बाहर गाने गाता हुआ गुजर जाता। फौजिया का शौहर बच्चों की खातिर सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था और जब फौजिया को लगा कि बात तलाक तक पहुंच जाएगी तो उसने अपने भाई को सब कुछ बता दिया। शब्बीर ने देखा कि फौजिया की आंखों में आंसू थे और वो अपने भाई के सामने अपना दुख बता रही थी। भाई खुदा के वास्ते मेरी मदद करो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। 3 साल हो गए मुझे मुसलसल ब्लैकमेल कर रहा है वो आदमी। कहता है मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा। ऐसे कैसे उठा के ले जाएगा? मुझे एक बात बताओ, तुमने उसके साथ दोस्ती क्यों की? तुम भटक गई थी। सिर्फ एक दफा मैंने उसको नाश्ता देने की गलती की थी, मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। खुदा के वास्ते भाई मेरी मदद करो, इनको पता चला ये तो मुझे तलाक दे देंगे, मेरे छोटे छोटे बच्चे रुल जाएंगे। प्लीज कुछ करो। तुम सब्र करो, कुछ नहीं होगा। मैं देखता हूँ कैसे उठा के ले जाता तुम्हें। अभी तुम्हारा भाई जिंदा है, मैं करता हूँ कुछ, सब्र करो। शब्बीर ने ये भी देखा कि फौजिया का भाई अपनी बहन को दिलासा दे रहा था। शब्बीर को मालूम हुआ दोनों बहन भाइयों ने आकाश को डरा धमका कर मामले को सुलझाने का मंसूबा बनाया था। फौजिया बहाने से आकाश से मिलने गई और पीछे से उसका भाई भी आ गया। उसी दौरान मुबैना तौर पर फौजिया का भाई तैश में आ गया और उसने आकाश को डंडा मारा तो वो नीम जान होकर गिर गया और फिर मुबैना तौर पर फौजिया के भाई ने बोतल तोड़कर शीशे से उसका गला काट दिया। इस हौलनाक वाकये के बाद पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर दिया था। आकाश नामी लड़का जो उनसे सिस्टर को तंग करता था, सिस्टर ने माफी मांगी उसे, वो बाज नहीं आई। फिर सिस्टर ने मुझे बताया जी मैं खाने वाले से आया हूँ, कोशिश की है कि वो एक्सीडेंट से मिले, लेकिन सिस्टर ने उसे कॉल की है कि अपना हम आपके पास माफ़ी मांगने आ गए। तो उसके बाद वो कहता नहीं मैं आता हूँ। उसके बाद फिर सिस्टर गई है, सिस्टर
उसके माफ़ी मांगी है, उसने धमकियाँ दी हैं कि आपके बंदे को कत्ल कर दूंगा और बच्चे को अगवा कर दूंगा। उधर से डंडा उठा के मैंने उसके सिर पे मारा है और वो गिर गया, शीशे के जर्ब उठा के गले में काट दिए, ग्यारह की बना पे कत्ल किया। ये है मकतूल की तस्वीर। मकतूल के लवाहकीन का कहना था कि उनके बेटे को नाहक कत्ल किया गया था। रात की रात हमें मोहल्ला ने बताया कि आपके घर के दरवाजे खुले हैं और अंदर से आवाज नहीं आ रही। जब हम अहले मोहल्ला के साथ और चंद अजीज वकारों के साथ गए हैं, हमने अंदर जाके देखा तो आकाश का गला कटा हुआ था और कमरे में उसकी लाश पड़ी। हमारे साथ जुलम हुआ है, हमारा बच्चा किसी ऐसी सरगर्मी में मुलवस न था जो मुजुर्माना हो, शरीफ बच्चा था। हमारे साथ जुलम हुआ है, हमें इंसाफ चाहिए। पुलिस ने इस केस के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। मोहल्ला गरीबाबाद से कि वहाँ एक आकाश अराई नामी शख्स हैं, उनकी डेड बॉडी उनके घर मिली है। पुलिस की मदईयत में FIR लॉन्च हुई और अपेरेंटली विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल एविडेंसेस जो है और ह्यूमन इंटेलिजेंस की बेस पे अल्हम्दुलिल्लाह सिटी कबीरवाला के थानों ने और हम कंबाइन हमने एफर्ट किया और विद इन फ्यू डेज हमने इस ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस किया। इसकी स्टोरी ये है कि जो आकाश नामी शख्स हैं उनका एक रिलेशनशिप था एलिया नामी बीबी के साथ, एलिया एलिया फोजिया बीबी थी। जी बिल्कुल, हमने इनके जब टेक्निकल एनालिसिस किए तो इनका और उनका आपस में रब्ता साबित हुआ है और वो उनको ब्लैकमेल करते थे। उनके मोबाइल में उनकी कुछ वीडियोस भी थी और वो उन्हें फोर्स करते थे कि वो उनसे ज़बरदस्ती बात करें। इसी रंज पे एलिया ने अपने भाई को बुलाया था जिनका नाम था बाबर अली सुहेल। इन दोनों ने प्लान किया कि हम 9 की रात या 10 की सुबह 4:30 बजे के करीब ही उनके घर गए और उस वक्त आकाश अपने घर में अकेला था। इन्होंने पहले उसके सर पे 2 डंडे मारे जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया और उसके बाद एक ग्लास श्रार्ड से उसको कत्ल कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि अब हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि अब हमारा जब हम स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल एविडेंसेस पे बेस्ड होता है। तो हम टेक्निकलिटीज में गए, हमने टेक्निकल एविडेंस इकट्ठे किए और उस बात से हमने अप्रिहेंड उन्हें किया। सीडीआर एनालिसिस भी किए गए, जियोफेंसिंग भी कराई गई, हमने पूरे टेक्निकल एविडेंसेस पे फिर बीबी को अप्रिहेंड किया। फिर उन्होंने अपनी कन्फेशनल स्टेटमेंट भी हो गई, फिर वेपन ऑफ ऑफेंस भी हमें मिल गए। जो जो चीज़ें जायब हुआ से गुजर थी जैसे कि उसका मोबाइल था, उसके ATM कार्ड थे, उसके सारे पर्स थे, ID कार्ड थे, वो भी हमें पॉइंटेशन पर रिकवरी हुई। और जो है बीबी वो जुडिशल हो गई हैं और मुलजिम हमारे पास मौजूद हैं। शब्बीर ने कबीरवाला में पेश आने वाले इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है और कहा है कि ताली दोनों हाथों से बजती है। कहीं ना कहीं फौजिया से भी इतनी भूल जरूर सरजद हुई थी जिसके बाद इतना बड़ा सानहा पेश आ गया। देखते रहिए क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। मेरा दोस्त है जहीर ना, खाने में कुछ है तो ले आओ। अब ठीक है, आप बुला लें। राम भाभी। वालेकुम अस्सलाम, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। शब्बीर ने एक ऐसी औरत को देखा है जो शोहर के मजालिम का शिकार थी और काफी अरसे से घटिया कथन के इल्जाम बर्दाश्त कर रही थी। वो तुम्हें कितना जाहिल और गंवार औरत समझ के गए हैं, तुम्हें तो ये सोचना चाहिए था कि वो तुम्हारे शोहर का दोस्त है। आइंदा से वो आएगा ना फिर पाउडर मिलके बैठ जाऊंगी। दोस्त के जाने के बाद शाजिया और उसके शोहर में अनबन शुरू हो गई थी। ये तुम मेरे दोस्त को बोल रही हो ना, मेरा दोस्त गलत नहीं है, तुम गलत हो। इतने घटिया इल्जाम की तवक्को मुझे आपसे बिल्कुल नहीं थी। जब किसी भी मर्द से अपनी जरूरतें अपने घर के फर्ज अदा नहीं किए जाते तो वो जाहिर सी बात है कि औरत को ब्लेम देता है। शब्बीर ने एक ऐसी औरत को देखा है जो शोहर की मजालिम का शिकार थी और काफी अरसे से घटिया किस्म के इल्जाम बर्दाश्त कर रही थी। 4 बच्चों की इस माँ की जिंदगी कैसी गुजरी आप इस कहानी में देख लीजिए जो फैसलाबाद के एक गरीब इलाके में सामने आई। शब्बीर ने एक दिन देखा कि मोटर मैकेनिक की दुकान पर छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे थे और खुद मैकेनिक एक गाड़ी के नीचे लेटा हुआ किसी बच्चे को आवाज दे रहा था। अबे छोटे, अबे 10 का पाना दे। लाता अभी।
ये लो सर। अबे कहाँ तेरा दिमाग रहता है, तुझे मैंने 10 का बोला, ये 12 का माना, 10 का माना ले गया। ये लो सर। दिमाग अपने ना काम में लगा के रखा करो। चल जा मेरे लिए पानी ले गया। लाता हूँ। थोड़ी देर में मैकेनिक पसीने में शराबगर गाड़ी के नीचे से हाथ पोंछता हुआ बाहर निकल आया। अबे रिम तू कब आया? थोड़ी देर हो गई। अबे तो तू बच्चे को बता दे, मुझे बता देता मैं बाहर आ जाता। मैंने बोला काम कर रहे, करने तो मिलेंगे। और सुना आजकल क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, बस वही बेरोजगारी, फारिग घूम रहा। अच्छा, अबे अगर फारिग रहे तो मेरी बेटी है उसको पढ़ा दे या ट्यूशन दे दिया कर। हाँ हाँ मैं क्यों नहीं, बिल्कुल दूंगा यार, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। चल तू बेड में, चलिए चाय मंगाऊ छोटे। अरे नहीं नहीं चाय नहीं यार, भूख लग रही है, खाना खाते। चल ऐसा कर, घर चलते हैं, भाभी ने खाना ही बनाया हुआ, खाना भी खा लिया, और मैं तुझे बच्ची से भी मिलवा देता हूँ। तो उसको ट्यूशन देनी है यार, थोड़ी सी वो कमजोर है पढ़ाई में ना। चलो चलते। अच्छा छोटे बेटा, मैं घर जा रहा हूँ, दुकान का ख्याल रखिए, सही है? और ये गाड़ी का काम जो ना, फटाफट कोशिश करो, जल्दी से निपटाओ, शाम को ये आएगा गाड़ी लेने के लिए। जब तक मैं आऊँ गाड़ी तैयार हो जानी चाहिए। चल भैया। चलो भैया। मैकेनिक 16 बरस पहले शादिया नामी लड़की से शादी हुई थी, जिससे उसके 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और 1 बेटा। सबसे बड़ी बेटी 15 बरस की थी। शब्बीर ने देखा कि मैकेनिक अपने दोस्त के साथ अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा, तो खुद अंदर चला गया और दोस्त को बाहर इंतजार करने के लिए कह गया। अरे भाई शादिया दरवाजा खोलो। जी आ रही हूँ आ रही हूँ। अरे भाई इतना क्यों पीट रहे दरवाजा? इसी काम में लगी आया हूँ ना। दरवाजा खुलते ही मैकेनिक जल्दी से अंदर चला गया और अपनी बीवी का हाथ पकड़ कर उसे एक तरफ ले गया। अच्छा शादिया, मैं ये कह रहा था कि मेरा दोस्त आया है जहीर ना, खाने में कुछ है तो ले आओ। अब ठीक है आप बुला लें, मैं अंदर चली जाती हूँ। नहीं नहीं अंदर जाने की जरूरत नहीं है, अरे वो मेरे भाइयों की तरह है। आ जहीर। आओ भाई जहीर, आ जाओ अंदर आ जाओ। भाभी। वालेकुम अस्सलाम। ये जहीर है, ये समझ लो मेरे भाइयों की तरह है। और फटाफट जो ना तुम खाना लगा दो, खाना खा के जाना, भी ऐसे नहीं जाना। अरे नहीं खाने की कोई जरूरत नहीं। अरे नहीं नहीं जरूरत क्यों नहीं है, खाना खा के जाना। नहीं भाई अब खाना खा कर ही जाइएगा, सुनिए इधर आए आप। अच्छा चलो तुम बैठो, मैं खाना लगवाता हूँ। बीवी अपने शौहर को कमरे से बाहर ले गई और उससे सरगोशी करने लगी। हाँ क्या बात है, खैरियत तो है? सुनिए खाने में देर लगेगी, घर में गैस नहीं आ रहा, और वैसे भी रोटियां तंदूर से लानी होंगी, आप बैठे मैं लेकर आती हूँ। अरे नहीं ना, तुम क्या रोटी लेने जाओगी? चलो मैं रोटी में ले आता हूँ, अगर ऐसी बात थी तो तुम मुझे बता देती, मैं लेता हुआ आ जाता। अरे भाई आप कैसे जा सकते हैं, घर में गैर मर्द मौजूद है। अरे यार, अरे वो गैर नहीं है। अबे भाई सुन रहा है, तुझे गैर समझ रही है तेरी भाभी? नहीं नहीं भाई मेरा ये मतलब नहीं था। चलो आओ। अच्छा भाई वो जहीर तू बैठ, मैं रोटी लेके आ। मैं चलू? नहीं ना अभी 2 कदम पे मैं अभी लेके आता हूँ। और हाँ बच्चे कहाँ हैं? बच्चे बाहर खेलने गए हैं। अच्छा चलो ठीक है, मैं बच्चों को भी देख लेता हूँ। और दूसरा ये कि तुम इनको पानी आनी दो, ठीक है? बैठ मैं आ रहा हूँ। अब भाई मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। नहीं पानी की जरूरत नहीं। अरे मेरा दोस्त भी कितना पागल है, खामखा तकलीफ कर रहा है और आपको भी जहमत दे रहा है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप बैठे मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ। जी भाई। जिस दिन शाजिया का शौहर अपने मुबैना दोस्त को घर लेकर आया था, उसी रोज दोस्त के जाने के बाद शाजिया और उसके शौहर में अनबन शुरू हो गई थी। शब्बीर ने देखा कि शाजिया का शौहर नाश्ता करते हुए अपनी बीवी से कुछ नाराज सा था। बाकी एक बात है, तुमने मेरे ना दोस्त के सामने ना बहुत बेइज्जती की। बेइज्जती? मैंने क्या कर दिया? कहा तो उसने कुछ नहीं है, मगर उसके चेहरे के तासुरात बता रहे थे वो तुम्हें कितना जाहिल और गंवार औरत समझ के गए हैं आप। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा। तुमने मेरे ना दोस्त के सामने ना बहुत बेइज्जती की। बेइज्जती? मैंने क्या कर दिया? कहा तो उसने कुछ नहीं है, मगर उसके चेहरे के तासुरात बता रहे थे वो तुम्हें कितना जाहिल और गंवार औरत समझ के गए हैं आप।
उसे जो समझना है समझे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैंने आपके दोस्त की शान में से गुस्ताखी क्या कर दी है? मुझे तो वो खुद एक बेहुदा सा आदमी लगा। और वैसे भी सवाल मुझे आपसे करना चाहिए, आप उसे घर लेके आए क्यों थे? अरे लेके आ भी गए तो मुझसे क्यों मिलवाया था? मेरी समझ में नहीं आता कि इंसान तुम्हें किस तरह मुतमईन करे। आखिर मैं पूछता हूँ कि दुनिया में कोई तो ऐसा शख्स होगा जिस पर तुम भरोसा करो। अरे तुम्हें तो ये सोचना चाहिए था कि वो तुम्हारे शौहर का दोस्त है, उसके साथ तुम्हें अच्छी तरह पेश आना चाहिए था। दलील करा के रख दिया। हाँ तो ठीक है, आइंदा से वो आएगा ना मुझे पाउडर मिलकर बैठ जाऊंगी। अब सही है, तुम जैसी जाहिल और गवार औरत से बात करना फजूल है। रखो अपना नाश्ता, कर लूंगा मैं होटल में। हाँ हाँ ठीक है, जाएं मेरी बला से। शाजिया का शौहर गुस्से से बाहर निकल गया और इधर शाजिया ने भी गुस्से में बर्तन उठाकर तकरीबन पटक ही दिए थे। शाजिया को पता नहीं क्यों ये एहसास होने लगा कि वो दोस्त के रूप में दरअसल किसी ओबाज शख्स को साथ लेकर आता था। फिर एक दिन जब शाजिया ने खुलकर शौहर की मुखालफत की तो शौहर ने मुबैना तौर पर बीवी ही के किरदार पर इल्जाम लगा दिया। बस बस हमने भी दुनिया देखी है, हम भी इसी दुनिया में रहते हैं। मैकेनिकों मैकेनिक गाड़ियों का 500 लोग का दिन में मेरे पास कस्टमर डीलिंग है मेरी। मैं क्या पहचानता नहीं हूँ, चेहरा देख के पहचान लेता हूँ। जो तुम मेरे दोस्त को बोल रही हो ना, मेरा दोस्त गलत नहीं है, तुम गलत हो। इतने घटिया इल्जाम की तवक्को मुझे आपसे बिल्कुल नहीं थी। अच्छा इल्जाम? मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, सबूत है मेरे पास, अगर कहोगी तो दिखा देता हूँ। हाँ हाँ दिखाएं, मैं भी देखना चाहती हूँ क्या सबूत है आपके पास। शाजिया का शौहर मुबैना तौर पर कुछ तस्वीरों को धुंधला करके अपनी बीवी को दिखा रहा था और दावा कर रहा था कि ये तस्वीरें उसकी बीवी की हैं जो उसके दोस्त के साथ बनवाई गई थी। ये देख लो मेरे दोस्त को और खुद को देख लो। क्या बात है, क्यों चुप लग गई? क्या सन्नाटा छा गया पूरे चेहरे के ऊपर? बोलो ना, जवाब दो कि मेरा दोस्त गलत है या तुम गलत हो। नहीं नहीं मैं ही खराब हूँ, आपका दोस्त बहुत अच्छा है। अब मुझे आपके साथ नहीं रहना, मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं, आजादी चाहिए मुझे आपसे। आजादी? अरे आजाद तो तुम हो, जबी तो तुम्हारे ये करतूत हैं। चली जाओ यहाँ से, तुम्हें मिल गई आजादी, निकलो यहाँ से। हाँ हाँ जा रही हूँ। बच्चों कहाँ हो? बच्चों आ जाओ, तुम्हारी माँ जा रही है इस घर पे। अम्मी बबू क्या हो रही है? हाँ हाँ जाओ, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, निकलो यहाँ से। हाँ हाँ जा रही हूँ, चलो बच्चों। आई बड़ी जाने वाली। बाप के डांटने से बच्चे सहम कर माँ के साथ घर से बाहर निकल गए। शाजिया ने शौहर से तलाक ले ली थी और 5,000 रुपए किराए के एक कमरे में बच्चों के साथ जिंदगी गुजार रही थी। लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया था और जैसे तैसे एक रिक्शा खरीद लिया था और फैसला कर लिया था कि वो सड़कों पर रिश्ते हलाल कमाई। एक दिन शब्बीर ने देखा कि शाजिया रक्षा चलाते हुए एक सड़क से गुजर रही थी। फिर एक जगह पहुंचकर उसने जैसे ही रक्षा रोका, ट्रैफिक का सिपाही उसके पास पहुंच गया और फिर एक गरीब रक्षा ड्राइवर औरत के साथ जो सुलूक किया गया वो आप खुद देख लीजिए। कहते हैं कि हमें ये ज्यादा वाटर वाली ये तंग, मेरा भाई हम किसी को तंग नहीं कर रहे, ये रक्षा लगेगा पीछे 3-4 और लग जाएंगे, ट्रैफिक पूरा प्रॉब्लम होगी। हमारा काम है सिर्फ ट्रैफिक रफ्तार चलाना, ठीक है ना? कानून तो सबके लिए है ना, वो मैं हूँ आप है जो कोई भी है। इस मौके पर शब्बीर की टीम में शामिल एक्सप्रेस न्यूज के रिपोर्टर भी ये सारा माजरा देख रहे थे। रिक्शा ड्राइवर हैं यहाँ पे शाजिया नहीं, उनसे बात करते हैं कि उन्हें किन मुश्किलात का सामना है। वो रिक्शा चलाती हैं, अपने बच्चों की कफालत कर रही हैं, लेकिन उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आप बताएं आपको किन मुश्किलात का सामना करना है? ये मैंने तो आपको खैर कहा नहीं है कि आगे वीडियो बनाया, आपने खुद ही देख लिया है। जब से ये वार्डन वाला आता है मैं इधर लेके नहीं आती इम्तियाज मोड़ पे, और वार्डन वाला कोई खड़ा हो तो मैं इधर आती हूँ, नहीं तो नहीं आती। अब ये गाड़ियाँ जा रही वन में जा रही, उनको तो नहीं रोक रहा, मुझे जब भी आके खड़ी होती हूँ कहेंगे आगे कर दे। अब सूरत हाल ये है कि शाजिया मर्दों के इस माहौल में रक्षा चलाकर अपने बच्चों का पेट पाल रही है। 10 साल बेटे को कुरान हिफ्ज करवा दिया है और 15 साल बेटी को ब्यूटी पार्लर में तरबियत लेने के लिए भेजती है। शब्बीर जब मेहनत कश और काबिल एहतराम शाजिया के घर पहुंचा तो वो एक कमरे का मकान था जो साफ सुथरा था और शाजिया अपने बच्चों के लिए खाना तैयार कर रही थी। शब्बीर की टीम ने शाजिया और उसके बच्चों से जो बातचीत की थी वो आपके सामने है। बस जब किसी भी मर्द से अपनी जरूरतें अपने घर के फर्ज अदा नहीं किया जाते तो वो जाहिर सी बात है कि औरत को ब्लेम देता है, तो ऐसा ही उसी ने किया कि वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग के
मुझ पे ब्लेम फेंक के तो चला गया है। मैं अपनी जिम्मेदारी अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के साथ मैं अपना फर्ज निभा रही हूँ। वो अपने फर्ज से भागा, वो अल्लाह की पकड़ में आएगा। अगर मैं भाग रही हूँ जैसे वो करके छोड़ के गया है, अगर मैं वैसे भाग रही हूँ तो वो मैं अल्लाह की पकड़ में आऊँगी। कभी कभार ऐसा होता है कि जो जाहिर सी बात है कि जो गैरतमंद मर्द है और वो तो ये चीज़ नहीं बर्दाश्त करता, जिनके रिवाज हैं कि औरतें बाहर नहीं निकलती, वो ये चीज़ नहीं बर्दाश्त करता। वो कहते हैं भाई मुझे कि आप क्यों रिक्शा चला रहे हो, किस लिए चला रहे हो? भाई मजबूरी है, क्या करें, बच्चों का पेट पालना है। मम्मा रिक्शा चलाती हैं, बहुत फ़ख्र होता है मम्मा के ऊपर। पार्लर का काम करती हूँ, मम्मा ने सारा सिखाया मुझे। पापा के भाई है, पापा हो या ना हो, हमें मम्मा की ज़रूरत है। मम्मा हमें हर चीज़ लेके देती हैं, हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है पापा हमें। हम पापा की हमें याद ही नहीं आती बिल्कुल भी, क्योंकि मम्मा ने कभी पापा की याद आने ही नहीं दी। शब्बीर का कहना है कि उसे एहसास है कि शाजिया सड़क पर रिक्शा चलाते हुए कितनी मुश्किल से जिंदगी गुजारती होगी, लेकिन शब्बीर ने शाजिया की हिम्मत को सलाम किया है और कहा है कि लोगों की परवाह किए बगैर रिश्ते हलाल कमाने में कोई शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। शब्बीर को यकीन है कि शाजिया एक दिन अपनी और अपने बच्चों की जिंदगी बदल कर रख देगी। शब्बीर का ये भी कहना है कि साबिक शौहर की जानिब से घटिया किस्म के इल्जाम और मुबैना शर्मनाक हरकत की वजह से शाजिया ने तलाक लेने का जो फैसला किया था वो बिल्कुल दुरुस्त है। शब्बीर का कहना है कि ऐसी मेहनत कश गरीब खवातीन के लिए बिला सूद छोटे कर्जे दिए जाएं ताकि औरतें अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानी और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिए, क्योंकि कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाकये से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 02135803820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ करंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज़, शब्बीर तो देखेगा।